हेलो बच्चों, आज हमारी जो वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 6, क्लास है 9th, सब्जेक्ट है साइंस और आज की डेट है 19 अप्रैल 2021। आप अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि कोविड के केसेस बहुत बढ़ गए हैं और हफ्ते का लॉकडाउन भी हो गया है दिल्ली में, ठीक है ना। तो आप अपने हाथ बार बार सैनिटाइज़ कीजिए और अपने घर का हाइजीनिक फूड खाइए और पढ़ाई भी करिए, ठीक है। तो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं आज की। लेट्स स्टार्ट। कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। देखो, कंपाउंड को हम कहते हैं हिंदी में यौगिक और मिक्सचर को हम मिक्सचर ही कहते हैं, ठीक है ना, मिश्रण कहते हैं मतलब, राइट। तो आज हम लोगों ने पिछली क्लास में तो हमने पढ़ा था ना कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और हमने ये पढ़ा था कि कंपाउंड्स भी जो होते हैं वो भी शुद्ध पदार्थ होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, राइट। अब हमने एक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि उसमें हम लोगों ने तीन कैटेगरीज पढ़ी थी, मेटल्स पढ़े थे, ठीक है, नॉन मेटल्स पढ़े थे और मेटलॉइड्स पढ़े थे, धातु, अधातु और उपधातु के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे वो कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो कंपाउंड्स आर दोज प्योर सब्सटेंसेज विच आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर बाय अ केमिकल प्रोसेस इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। जैसे कि सपोज आपके पास H2 प्लस O2 गिव्स H2O, 2H2O, ठीक है ना। तो ये जो हमारा ये पानी का जो निर्माण हुआ है, वाटर बना है, ये फिक्स्ड इसमें अमाउंट हाइड्रोजन की है, फिक्स अमाउंट ऑक्सीजन की है और इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी है, मतलब एक हमने केमिकल रिएक्शन करा है तभी हमारे पास ये वाटर बना है। तो कंपाउंड क्या होता है, अब इसमें वाटर कंपाउंड है और H2O2 एलिमेंट्स हैं, H2 और O2 जो हैं इसमें एलिमेंट्स हैं और H2O जो बना है वो क्या है, कंपाउंड है, यौगिक है, ठीक है जी। तो हमारी ये डेफिनेशन अब सबको समझ आ गई कि कंपाउंड्स आर दो सब्सटेंसेज विच आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर बाय अ केमिकल प्रोसेस इन अ फिक्स रेशो मास, मतलब बाय मास मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फिक्स रेशो है और एक केमिकल प्रोसेस से ये नई कोई चीज़ का निर्माण करता है, बनाता है, तो जो बनता है उसको हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे सपोज अब ये हमारे पास सी प्लस O2 जो है, दैट गिव्स CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें कार्बन जो है फिक्स अमाउंट में है, ऑक्सीजन फिक्स अमाउंट में है, जो ये नया निर्माण हुआ है, लाइक जो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन से नई चीज़ बनी है, तो इसको हम कंपाउंड कहते हैं, ठीक। अच्छा, वाटर इज़ फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अभी मैंने बताया। ऑल द सब्सटेंसेज दैट आर प्रेजेंट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स ओनली। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, एनीथिंग, चाहे बेड शीट्स हो जाए, चाहे हमारे पास ब्रिक्स हो जाए, एनीथिंग, कुछ भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स हो जाएँ, वो सब एलिमेंट्स की बनी हैं। बट इन नेचर मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। लेकिन हमारे नेचर में कंपाउंड्स भी होते हैं और मिक्सचर्स भी होते हैं, मतलब एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपने फ्री स्टेट में नहीं होते, एलिमेंट्स कंपाउंड की फॉर्म में भी होते हैं और मिक्सचर्स की फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है जी। चलिए अब हम कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। कंपाउंड्स वो हैं विच आर फॉर्म बाय केमिकल प्रोसेस, ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया से जो बनते हैं, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया पानी का। सेकेंड, दे आर साइंटिफिकली प्योर इन नेचर, वो शुद्ध पदार्थ होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ द फिक्स अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, वो ऐसे नहीं होते, हेट्रोजिनस नहीं होते, ओके, इसलिए उनको प्योर बोला जाता है। थर्ड जो चीज़ है वो है, देयर कॉम्पोजिशंस आर ऑलवेज फिक्स इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मतलब कि जैसे कि H2O बना तो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के, मतलब 2:1 की रेशो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की, तो ये हमेशा फिक्स रहेगी। वो पानी चाहे आप नल का लो, सागर का लो, समुद्र का लो, कहीं का भी लो, जो उस पर एलिमेंट्स की जो फिक्स अनुपात रहेगा, फिक्स रेशो रहेगी, ठीक है जी। फिर है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अब आप अगर H2 प्लस O2 को जमा करके H2O बनाते हो, पानी एक लिक्विड है, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन गैस है, देखा जाए तो आप दो गैसेस को मिलाकर एक लिक्विड बना रहे हो, तो इसका क्या मतलब हुआ, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन लोगों से बिल्कुल डिफरेंट हैं, ठीक है। चौथी चीज़, द चेंज इन टू लिक्विड और गैस एट ए डेफिनेट टेम्परेचर। कंपाउंड्स जो हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो अपनी स्टेट भी चेंज कर लेते हैं, मतलब लिक्विड सॉलिड से लिक्विड भी बन सकता है, लिक्विड से गैस भी बन सकता है। भाई आप देखो, पानी को जब उबालते हो, ठीक है ना, तो वो लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन जब उबालते हो तो वो गैस स्टेट में चला जाता है, ठीक। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी ये
चले जाते हैं एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। जैसे कि आपको मालूम है पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है जिसमें वो उबलता है वो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ये स्टेट भी चेंज कर लेते हैं। ओके फिर है इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल प्रोसेसेस लाइक इलेक्ट्रोलिसिस। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अगर सेपरेट करना हो, अगर हमने वाटर को भी ब्रेकअप करना हो, तो उसके लिए भी हम लोगों को कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रोलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जब पानी का ब्रेकडाउन होता है तो उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ओके जी नेक्स्ट है इसके एग्जांपल आ जाएंगे, पानी आ गया, कॉमन सॉल्ट आ गया, कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारे एग्जांपल्स हैं कंपाउंड्स के। अब हम अगर मिक्सचर्स को देखें तो मिक्सचर, अब जैसे मिक्सचर तो कुछ भी हो सकता है, मिक्सचर तो दाल का भी हो सकता है और स्टोन्स का भी हो सकता है, पत्थर जो डले होते हैं, ठीक है। तो नो केमिकल प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व्ड इन इस फॉर्मेशन। अब दाल और कंकड़ में आपको कोई केमिकल प्रोसेस करने की ज़रूरत तो नहीं है, और इम्प्योर होते हैं वो, इम्प्योर ही है ना, शुद्ध पदार्थ तो है नहीं, कोई फिक्स अमाउंट तो है नहीं कि चार पत्थर चार कण दाल के, ऐसा तो नहीं है। देयर कॉम्पोजिशन आर नॉट फिक्स, मतलब उनका कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं हो सकता, हो सकता है कि 100 कंकड़ हो और 500 दाने दाल के हों, ठीक है। तो ये चेंज होता रहता है। अ मिक्सचर शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन इट। अगर एक मिक्सचर है, सपोज कोई पल्स है, कोई दाल है और उसमें कोई स्टोन्स है, तो उसकी जो पल्स पल्स ही रहेगी, स्टोन स्टोन ही रहेगी, यानी कि पल्स और स्टोन मिला के पल्सों बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देर विल बी नो न्यू फॉर्मेशन ऑफ एनी सब्सटेंस, जो मिक्सचर में चीज़ें हैं वही रहेंगी, ठीक है। When two or more elements or compounds are simply mixed together in any proportion, they form a mixture. अब अगर आप ये ले लो, दूध ले लो, मिल्क ले लो और उसमें आप वाटर ऐड कर लो, तो ये भी एक मिक्सचर है, ठीक है। ये होमोजीनियस, इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। जैसे कि शुगर सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, और मिल्क और वाटर जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, सैंड और वाटर जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मतलब जिसमें कि फिक्स मात्रा नहीं होती और ढंग से उसको सेपरेट किया जा सकता है, हेट्रोजीनियस को होमोजीनियस को ढंग से सेपरेट नहीं किया जा सकता, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भी नहीं किया जा सकता। तो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, ये लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है, लास्ट टू लास्ट वीडियो में, वो आप चैनल में जाइए आपको मिल जाएगा। अच्छा फिर है मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सेपरेट किए जा सकते हैं। अब दाल और कंकड़ को तो मैनुअली भी कर सकते हो, सीविंग मतलब छलनी से भी कर सकते हो, इवेपोरेशन मतलब अगर शुगर सॉल्यूशन है या नमक का सॉल्यूशन है, अगर आप पानी को भाप बना के उड़ा दोगे तो नमक रह जाएगा नीचे, ऐसे ही तो हमारा नमक जो है हमें मिलता है अपने घरों में समुद्रों में, जो सूर्य की रोशनी से जो पानी है इवेपोरेट रह जाता है, हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है और नीचे क्या रह जाता है, नमक। तो इवेपोरेशन प्रोसेस, जबकि ये होमोजीनियस मिक्सचर है तब भी इवेपोरेशन प्रोसेस से अलग हो सकता है। फिल्ट्रेशन हो सकता है, सैंड वाटर ले लो, ठीक है, सैंड वाटर को अगर आपने सीव से छान लिया तो, या फिर अगर आपने चाय बनाई हो, चाय की पत्ती को छान लिया, तो वो भी क्या है, फिल्ट्रेशन है, छलनी प्रक्रिया है, ठीक है। तो मतलब मिक्सचर को इन प्रोसेस से अलग किया जा सकता है। चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वाटर कंपाउंड्स, तो आंसर नंबर वन ये है, द कंपाउंड्स आर दोज प्योर सब्सटेंसेज विच आर फॉर्म व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर बाय अ केमिकल प्रोसेस इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। एग्जाम्पल इनके ये सारे दिए हुए हैं, कॉमन सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, वाटर, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर टू, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड ए मिक्सचर, तो ये कंपाउंड एंड ए मिक्सचर सारा आ जाएगा, पूरा कंप्लीट ही आप इसमें लिखेंगे। तीसरा है क्लासीफाई द फॉलोइंग इन टू कंपाउंड एंड मिक्सचर्स, ऑल्सो आइडेंटिफाई प्योर सब्सटेंसेज फ्रॉम द गिवन लिस्ट एंड राइट देम सेपरेटली। देखो जी, वाटर जो है, वाटर एक कंपाउंड है, ठीक है, सॉइल एक मिक्सचर है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शुगर जो होती है वो भी एक कंपाउंड है, सॉल्ट भी एक कंपाउंड है क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो NaCl होता है, तो ये दो एलिमेंट्स को मिलकर बना है, तो ये भी एक कंपाउंड है, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन जो है वो एक मिक्सचर है, एयर भी एक मिक्सचर है, मिल्क भी एक मिक्सचर है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है और HCl भी एक कंपाउंड है। अब इन्होंने ये बोला है कि इनमें से प्योर सब्सटेंसेस कौन से हैं, देखो प्योर सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्योर सब्सटेंस हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्योर सब्सटेंस हो गया, ठीक, और उसके बाद वाटर जो है वो एक प्योर सब्सटेंस हो गया, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो या तो एलिमेंट्स होते हैं या फिर कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड है वो वाटर है, शुगर भी है, ठीक है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है और HCl है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्योर सब्सटेंसेस में और इम्प्योर सब्सटेंसेस में क्या फ़र्क है,
कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में क्या फ़र्क है। फिर भी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारे बार बार मैं बोलती हूँ, आपको नोटिफिकेशन आएगी, आपके लिए इजी रहेगा, और आगे अभी पूरी क्लासेस चलनी ही हैं। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।